नमस्कार, चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपके पाम बताती है। आपने बहुत सारे सवाल कर रखा है। ओवरऑल आपका सवाल अगर देखा जाए तो फाइनेंस को लेके है। आप सक्सेसफुल बिलियनेयर डॉलर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, रियल एस्टेट से करना चाहते हो, यू हैव वन किड्स एंड सेकेंड आप प्लानिंग कर रहे हो, हॉरोस्कोप में क्या है रेमेडी, यही सब। तो सारे सवाल का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगी। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी हॉरोस्कोप देखिए। आपकी कुंडली जो है मेष लगन और कुंभ राशि है ना। देखिए मेष लगन और कुंभ राशि है, आपका लग्नेश मंगल सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल डिग्री वाइज थोड़ा वीक है, और कुंभ राशि है आपकी है ना। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग भी बन रहा है आपका, चंद्र के साथ है, थोड़ा अमावस्या योग बन रहा है, बट चंद्र 24 डिग्री पे है तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। देखिए शुक्र जो है ना आपका यहाँ पे है, अगर शुक्र आपके 10th हाउस में होते हैं उसमें भी धनेश होके केंद्र में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आपके सप्तमेश होके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये काफी अच्छा योग होता है। इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ही जल्दी मिड एज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद फिर गुरु आपके स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं तो ये भी अच्छा योग है। केतु आपका 6th हाउस में है और 2nd हाउस में राहु है ना, धन के भाव में, तो फॉरेन वगैरह से धन आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। ये बात मांगलिक तो आप हैं ही, आपका मैरिज लाइफ काफी अच्छी रही होगी, मुझे हाथ देख के ही लग गया था आप मांगलिक जरूर होंगे। चंद्र और बुध आपका अस्त है, कोई बात नहीं। अब आपका नमांश कुंडली एक बार मैं देख लेती हूँ। देखिए बुध से आपका वर्गोत्तम कुंडली बन रही है ना, तो जाहिर सी बात है व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और उसके बाद मित्र राशि में है, मंगल राहु की युति बन रही है अंगारा की ओर। तो आपकी महादशा एक बार मैं देख लेती हूँ, मैं आपको रिकमेंड लास्ट में कर दूंगी अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली क्या आपको धारण करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, जिससे कि आपको और ज्यादा लाभ होगा। अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी बात है, 2014 से चल रही है, काफी अच्छा टाइम है, अभी टाइम आप अच्छी चल रही है। कुंडली आप देखेंगे तो आपकी मेष लगन की कुंडली है ना, मेष लगन कुंडली में बुध ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि इन दोनों ग्रहों में आपस में दुश्मनी है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन उसी साथ में अगर शुक्र की अंतरदशा महादशा आती है तो फिर सही होगा। तो चलिए आपके पाम का एनालिसिस करती हूँ, इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ आपका क्या कुछ है। देखिए कुंडली में तो है आपका जो है सो है, आपको हाथ पे आपने क्या अचीव किया है, आपकी हाथ देखा जाए तो बिल्कुल गोलाई शेप लिए हुए है ना, इसको हम लोग स्क्वायरी हैंड भी बोलते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लेफ्ट से अच्छा आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दम पे अपने बदौलत अपने चीजों को ठीक किया है। देखिए आपका जो हाथ है ना स्क्वायरी हैंड है, तो जब भी जातक की हथेली स्क्वायरी हो जाता है ना तो काफी मेहनती होते हैं, ऐसे जातक सच बोलने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सदाचारी होते हैं, इन सभी गुणों की भरपूरता रहती है। देखिए जब भी ये सेटिंग लो हो जाता है तो यही चीज दिखाता है, ऐसे जातक लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन स्ट्रगल करके आगे भी बढ़ते हैं और बहुत आगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बढ़ते हैं। आपने बिजनेस पूछा है, सबसे पहले आपने रियल एस्टेट के बारे में पूछा, बिल्कुल आप कीजिए क्योंकि वैसे मेष लगन की कुंडली है, मंगल आपके 7th हाउस में है, ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। प्लस आप देख पा रहे होंगे ये एरिया बहुत उभरा हुआ है, ये बाहरी मंगल है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली हालांकि स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, थंब स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं रियल एस्टेट से, बिल्डर्स का काम बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कीजिए। जितने भी जमीन से जुड़ी हुई चीजों का अगर काम करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा सक्सेस देगा। अब आप देखिए क्या है, आपके जो नोट्स हैं सारे क्लियर हैं, तो स्पष्टवादी तो ऐसे भी ऐसे जातक होते हैं, स्पष्ट तरीके से बोलना सुनना पसंद आता है, लेकिन कभी कभी यही तरीके से आप फंस जाते हैं क्योंकि स्पष्ट सुनना और रियल सुनना सभी को पसंद नहीं आता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ी होती होगी। उसके बाद आपके देखिए सारे पाम पे इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं, तो ये आपके मिलनसार स्वभाव एडजस्टेबल नेचर को बताता है। उसके बाद आपकी हाथ देखिए, आपका जो है ना गद्देदार हाथ है ना, माउंट सारे उभरे हुए हैं, तो सारे एनर्जी है आप में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसके बाद आप देखेंगे, आप देखिए गुरु की फिंगर आपकी और सूर्य की फिंगर एकदम बराबर है, ठीक है, तो देखिए जब भी ये दोनों इक्वल हो जाता है, जुपिटर फिंगर अपोलो फिंगर इक्वल हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यहाँ पे अच्छा क्या होगा, ऐसे जातक बहुत ही चालाक होते, चालाक इन सेंस पॉजिटिव वे में, कि कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये नहीं कि गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया, बहुत सोच समझ के बोलना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी वजह से ऐसे जातक बहुत जल्दी बहुत दिन तक टिक के रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान
है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका एम्बिशन दोनों बराबर है। ये नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण एम्बिशन को छोड़ दिया, एम्बिशन के कारण सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दिया। सारी फिंगरें आपकी छोटी है पाम के कंपैरिजन, इसका मतलब होता है क्विक निर्णय लेने वाले, थोड़ा हड़बड़ी स्वभाव के होते हैं, कुछ चीज जो है ना जल्दबाजी में, क्योंकि आपका देखिए मेष लगन भी है तो जल्दबाजी में कोई काम अगर आप करते हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है ना, तो आपको बाद में पछतावा होता है, तो कभी कभी हड़बड़ी जल्दबाजी नेचर में ही होता है ऐसे जातक का थोड़ा सा। उसके बाद गुरु माँ की अच्छा है, आपका लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, सारा सुख आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखिए सेकंड बेबी जहाँ तक होने की बात है, बेबी होने का चांसेस बहुत अच्छे हैं, ऐसा कि नहीं होगा, बेबी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है आपको। हो सकता है अभी एक गर्ल चाइल्ड हो, है ना, बॉयज भी होना। वैसे अगर बेबी के बारे में प्रिडिक्ट करना हो तो दोनों का हाथ देखना पड़ता है, एक के हाथ को देख के मैं नहीं कर सकती हूँ। शनि की फिंगर देखे तो शनि की फिंगर बहुत अच्छी है आपकी। देखिए जब भी शनि की फिंगर अच्छी होती है तो ऐसे जैसे वर्कहोलिक नेचर के होते हैं, वर्क करना हमेशा पसंद आता है, अपना काम करना पसंद आता है, एकांत रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से एकांत हो जाते हैं लाइफ में, मेडिटेशन वगैरह, डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज होता है आप लोगों में। न्यायिक स्वभाव के होते हैं, है ना, अन्याय जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है। तो सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी जिएंगे क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा। बुध की फिंगर उतनी ही अच्छी है। देखिए मेन है होता है क्या है ना, अगर आपका सूर्य और बुध अच्छा हो जाए, कुंडली में भी बुध आदित्य योग बन रहा है, दोनों एक्टिव अवस्था में है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बोल के, ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। अब मिलीनियर विलीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि बुद्धादित्य योग लाभ भाव में बन रहा है। उसके बाद क्या है, आपके हाथ में भी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा है, तो मीडिया लाइन हो गया, जहाँ पे स्पीच देना होता है, बिजनेस हो गया आपका, लोगों को कन्विंस करना, तो ये सब गुण आप में भरपूर है। मार्केटिंग स्किल अच्छा है, कन्विंसिंग स्किल अच्छा है आप में, कैलकुलेशन वगैरह, ये सब गुण अच्छा है क्योंकि आपका बुध की फिंगर काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे ना, ये फिंगर आपस में ज़्यादा सटी नहीं है, देखिए अलग अलग है, इंडिविजुअल है, तो कोई भी काम अगर आप इंडिविजुअल रूप से करते हैं, अपना करते हैं, ऑन बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के अंडर में काम करेंगे तो कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, आपका स्किल भी डेवलप ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये फिंगर बिल्कुल अलग थलग है, तो ऐसे जातक अपना फैमिली से बिल्कुल हट के काम करते हैं, जो कि कोई नहीं किए हुए होते हैं वैसे काम करते हैं आप लोग। देखिए ये जो है ना सेटिंग थोड़ा लो है, अगर ये सेटिंग थोड़ा लो हो जाता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, शादी या बच्चे लेट होते हैं। अगर आपके अगर जल्दी है तो कहीं ना कहीं वाइफ का गुरु काफी अच्छा होगा, मंगल शुक्र अच्छा होगा, तभी ये सब अच्छी है। अब आइए आपके गुरु माउंट को देखते हैं। देखिए गुरु का माउंट आपका उभरा हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा उभरा हुआ है। फिर साइन देखिए क्या सब बन रहा है। देखिए गुरु के माउंट पे क्रॉस है तो बहुत सफल दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहता है ऐसे जातक को। यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है ना, ये त्रिशूल का साइन का भी निर्माण हो रहा है और यहाँ से इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है। देखिए गुरु के माउंट पर ट्राइंगल होना ऐसे जातक बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं, आपका जो पोस्ट होता है काफी अच्छा होता है। आपसे मिलने के से पहले आप अपॉइंटमेंट लेना, सेट करना, आपका टाइमिंग देखना, इस तरह से ये होने के बाद आपसे मिल सकते हैं, है ना। तो गुरु आपको रिस्पेक्ट भी दिलाता है, गुरु आपको अच्छा पोस्ट भी दिलाता है। उसके बाद यहाँ पे जगह जगह क्रॉस है, इस तरह से स्क्वायर है, सारे शुभ साइन है, अशुभ साइन कुछ भी नहीं है, तो सारे आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट देगा, ज्ञान से धन की अर्निंग करेंगे आप। उसके बाद देखिए शनि की मार पे दो लाइनें हैं, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को बता रहा है। यहाँ पे भी इस तरह से फीस का सिंबल है ना, तो ये भी साइन आपको अपने पुस्तैनी संपत्ति से लाभ को दिखा रहा है, या फिर ऐसे जाते के पास बैंक बैलेंस होते ही होते हैं, है ना, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ होने का मतलब होता है कि ऐसे जाते का अपना बिजनेस, अपना इंडस्ट्री बड़े लेवल का करते हैं काम, तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। उसके बाद देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, तो खुश मिजाज होते हैं, ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंगल रेखा है आपका, ये जो है ना ये पूर्व पुण्य रेखा बोली जाती है, ये रेखा बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेखा आप देखिए, ये रेखा का दो तीन चीज है जो कि लोग को पेशेंस नहीं होता, जिस वजह से इस रेखा के बारे में असली हक नहीं मिल पाता है उनको। देखिए ये रेखा क्या करता है, आपको पहले तपाएगा, जिस तरह से सोना को तपा के फिर उससे आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार से ये रेखा है आपको स्ट्रगल एक्सट्रीम लेवल का देगा, और जब आप स्ट्रगल सह के ऊपर निकलेंगे तो काफी अच्छा ये रेखा फल देता है। आपने पूछा है ना कि मिलीनियर बिलीनियर वाली साइन, तो ये रेखा हो गई। अभी मैंने आपके थंब के बारे में नहीं बताया, थंब के बारे में मैं बताऊंगी, तो ये साइन जो होता है ना, ये साइन आपको ये काबिल बना देता है इतना ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल भी है, तो ट्राइंगल होने का मतलब दिमाग से ऐसे जातक बहुत पैसे अर्निंग करते हैं, दिमाग बहुत काफी तेज होता है ऐसे जातक का। उसके बाद यहीं से आपका फिश का साइन का निर्माण हो रहा है एकदम से, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ से, इस प्रकार से, है ना।
तो ये आपको अच्छा पैसा देगा, मतलब अच्छे करोड़ों में खेलते हैं ऐसे, ज़्यादा करोड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है आपका। हाँ लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज आप मत होना, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी है, बेसिक नॉलेज से ही ये पूर्व पुण्य रेखा बन रहा है। तो सूर्य अच्छा है तो नेम फेम तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। देखिए आपने बोला है ना कि मैं आपको कॉल पे रेमिडीज बता दूंगी क्या आपको धारण करना है, जो कि और चीज़ें आपके फेवर में हो, है ना। अब देखिए ये आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे, इस पर बहुत सारे लाइनिंग है, तो जब भी इस तरह से मल्टीपल लाइनें बुध के माउंट पे होते हैं तो ऐसे जातक बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। देखिए ऐसे जातक में बॉडी लैंग्वेज, बोलने की कला, स्पीच इन लोगों का काफ़ी अच्छा होता है, साथ ही साथ हीलिंग क्वालिटी, ऐसे हाथ में अक्सर डॉक्टर नर्स आध्यात्मिक क्षेत्र में जो होते हैं, जो हील करते हैं लोगों का, दुख दूर करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आप देखेंगे ये लाइन। तो कॉन्वेंसिंग स्किल भी जबरदस्त होता है, मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होता है, ये पूरा आपके फेवर में है। अब देखिए आपका मंगल कितना स्ट्रांग है, एक तो उभार है और ये निकला हुआ है ना, ये देखिए ये जो है ना, ये आपको स्ट्रांग मंगल को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं मंगल आपका बहुत अच्छा, अगर मंगल अच्छा है तो भूमि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आप फार्मिंग का भी काम करते हैं बड़े लेवल पे, तो बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। आप अगर मान लीजिए जैसे ईंट पत्थर वगैरह हो गया, जिससे कि मकान बनते हैं, तो ये सब भी काम करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कोई भी बिजनेस करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, निगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस जरूर दिख रहा था, ये मानसिक अशांति का है ना, मानसिक अशांत रहते हैं। विदेश के साथ अगर कोई काम करते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, हालांकि विदेश से लाभ है आपको, लेकिन बहुत सोच समझ के सतर्कता के साथ कीजिएगा। चंद्र भी आपका अच्छा है। केतु माउंट पे देखिए इस तरह से फिश का साइन है। देखिए केतु माउंट पे फिश का साइन होने का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें सक्सेस मिलेगा, फॉरेन से सक्सेस मिलेगा, स्टॉक मार्केट से सक्सेस मिलेगा, जितना भी नेटवर्किंग क्षेत्र में सक्सेस मिलेगा, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि शुक्र भी आपका बहुत स्ट्रांग है। तो अगर शुक्र स्ट्रांग हो तो जातक थोड़ा सा लग्जरी, भोग विलास, इन सभी चीज़ों की ओर ज़्यादा जाते हैं, जिस वजह से मोक्ष की प्राप्ति होना मुश्किल हो जाता है। तो ये फीस का साइन आपको सिर्फ और सिर्फ धन देगा, नेटवर्किंग से, शेयर मार्केटिंग से, जहाँ पे सडन धन लाभ का चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी फीस का साइन है इसी प्रकार से बन रहा है। तो केतु भी अच्छा है आपका। अब देखिए शुक्र माउंट अच्छा है, देखिए शुक्र माउंट जब इतना अच्छा हो और मंगल इतना अच्छा, तो जिम वगैरह ऐसे जातक बहुत जाना पसंद करते हैं, है ना, जिम वगैरह फिजिकली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है। और सबसे अच्छी बात है आपका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बनना चैन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, सेटिस्फेक्शन भरा होता है मैरिज लाइफ, और लाइफ पार्टनर भी काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव मतलब सपोर्टिव मिलती हैं। बहुत चिंता रहती है आपको, बहुत चिंता करते हैं, बट ऐसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ, है ना, चिंता वही चिंता की रेखाएं बहुत ज़्यादा, लग्जरियस लाइन भी है, ठीक है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। राहु माउंट पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से स्क्वायर है, तो ये आपको धन लाभ ही देता है। और देखिए ये जो है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं माइन लाइन और इसके बीच में अगर इस तरह से हो, तो इन लोगों के पास में मल्टीपल एसेट होते हैं, एक से अधिक घर का सुख। उसके देखिए उम्र जब आपका 45 के राउंड होगा तो फिर आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में, 40 से इवन आपका टाइम शुरू हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा आप कुछ करेंगे, जब मैं उस पर आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। चलिए अब आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। देखिए हार्ट लाइन आपके हार्टली कंडीशन को बताता है, इमोशनली कंडीशन को बताता है, और साथ ही साथ आपके हार्ट ऑर्गेन को बताता है। तो देखिए त्रिशूल का साइन है, तो ऐसे जातक दानी तो होते ही हैं, हर एक इच्छा पूरा होता है, शिव जी का विशेष कृपा होता है और हर एक इच्छा ऐसे जातक को पूरा होता है। आपने स्ट्रगल जो करना था मुझे लगता है आपने कर लिया है, स्ट्रगल काफी किया है लाइफ में स्ट्रगल। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी एकदम पतली सी सुई आकार की है ना, तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऐसे जातक को होता है, बहुत अच्छे हार्टली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा रहेगा हार्ट ऑर्गेन भी, और इमोशनली जिससे भी आप अटैच रहेंगे एकदम सेटिस्फेक्शन बढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइंड लाइन लाइफ लाइन से सट के निकली है, तो इसका मतलब होता है, और लेफ्ट हैंड में आपकी माइंड लाइन बिल्कुल हट के निकली है, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले, फैमिली के बारे में सोचने वाले होंगे, फैमिली को लेके बहुत चलने वाले होते हैं ऐसे जाते, और लंबी है तो इसका मतलब तो क्विक सोचने वाले, बहुत जल्दी सीखने वाले। लेकिन क्या है ना, देखिए आप नीचे की ओर चंद्र माउंट की ओर गई है, देखिए जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र माउंट की ओर जाती है तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या तो बहुत अच्छे पोएट होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, डांसर, पेंटर, मतलब कुछ ऐसी कला होती है आप लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, है ना, जैसे आपके कुंडली को देखा जाए और हाथ को देखा जाए तो टेक्निकल नॉलेज वाले जातक लगते हैं कि टेक्निकल
टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। तो इंटीरियर डिजाइनर का जो होता है ना, अगर वो सब काम करते हैं तो उसमें भी आपको अद्भुत सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके क्रिएशन को ही बताता है। बहुत अच्छा माइंड होता है ऐसे जातक का, बहुत अच्छा कुछ सोच लेते हैं, अगर उसको लिखते हैं तो बहुत इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन इसका एक निगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत ओवर थिंकिंग, डिप थिंकिंग होता है। अगर उस थिंकिंग को आप या तो किसी को बोलिए, नहीं तो कागज़ पे लिखिए, डायरी लिखिए, तभी जाके ये सही, नहीं तो ये एंजाइटी, नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम आपको देगा। ये माइंड लाइन कहते हैं ना, किसी चीज़ में अच्छा ही होता है तो बुराई भी होता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत तो राहु रेखा, ये तो हर एक हाथ में लगभग आपको काटे, क्योंकि राहु का काम ही होता है आपके लाइफ में आके ऑब्स्टिकल पैदा करना। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी काटे, एक दो जगह काटे हैं, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ है ना, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है लाइफ लाइन की। इस तरह से फीस नुमा कृति बन रही है। घर के पास ही रहने का योग है, घर से दूर जाने का तो योग नहीं दिख रहा है आपका। क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है लाइफ लाइन में, कुछ गड़बड़ी मुझे दिख ही नहीं रहा है। आपका हाथ भी पिंक है, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। अब देखिए लक लाइन, लक लाइन क्या है ना, आपके चंद्र के माउंट से मून लक लाइन है। देखिए आपका मून लक लाइन, बचपन से आपने जो सोचा वो किया, ठीक है, उसके जैसे ही 34 के राउंड आप हुए होंगे, 34 के राउंड आप काम चेंज करने के बारे में सोचना शुरू किया, और 37 के राउंड आपने दूसरा काम शुरू करेंगे, और वो काम आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। ये जो लक लाइन गया, ये लक लाइन तो यहीं तक स्टॉप हो गया, उसके बाद नया लक लाइन चला है, तो ये नए कामों को शुरुआत की ओर और अच्छे धन को दे, क्योंकि ये आपके माउंट पे पहुंच गया है तो अच्छा धन देगा ये। यहीं पे आप देखेंगे इस तरह से क्रॉस बना हुआ है, मिस्टीरियस क्रॉस जिसको बोलते हैं, तो गुप्त विद्याओं वगैरह में अच्छी रुझान होती है। आप देखेंगे तो एम का भी साइन बन रहा है, लेकिन यहाँ टूट गया है। देखें इस प्रकार से एम का साइन तो बन रहा है, तो एम का साइन जिनके भी हाथ में होता है, दौलत शौहरत की तो कमी होती नहीं, हाँ हल्का टूटी है, तो लाइफ में एक बार बहुत जब बड़ा झटका आया होगा लाइफ में, उसके बाद चीज़ें फिर सही चली होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंदिर का साइन है। देखिए जब भी इस तरह से मंदिर का साइन आपको यहाँ पे हो, तो ऐसे जातक मंदिर जरूर बनवाते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं और अपने दम पे बहुत कुछ लाइफ में करते हैं, अच्छे पोस्ट वगैरह को धारण करते हैं। देखिए उसके बाद क्या है आपका, इस तरह से मनी ट्रायंगल, देखिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो पैसे आएंगे भी रुकेंगे, लेकिन अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बनने दीजिए अभी। और उसके बाद देखिए राहु पे इस तरह से डमरू का साइन, इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोनों सटा हुआ है आपस में, है ना, तो कहीं ना कहीं शिव जी का कृपा बहुत अच्छा होता है, धन के अच्छे लाभ होते हैं, इन सभी चीज़ों में कमी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे आपके कमल का फूल भी बन रहा है, यहाँ पे देखिए सूर्य के माउंट पे और बुध के माउंट के पास में, तो ये आपको अच्छा धन देगा। कमल की दो पत्ती बन रही है आपकी इस प्रकार से, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बहुत सुंदर सा बन रहा है, एकदम से क्लियर है, तो ये आपको धन देगा, ये आपको बहुत अपार धन देगा, बहुत संपत्ति, मकान घर की कोई कमी होगी ही नहीं। आपने जो भी सवाल किया है, सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया, क्योंकि सब कुछ आपको मिल सकता है। जो भी आपने सवाल किया है, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है। आपने सेकंड बेबी के बारे में भी बोला है, वो भी होने के चांसेस हैं, धन दौलत भी होने के चांसेस हैं, और मनी बंध भी दिख रहा है, हेल्थ वेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएँ रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और हाँ मैं आपको रेमेडीज है इस कुछ जो बतानी है वो मैं आपको कॉल पर बता दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।